मुझसे ये पूछना भी बंद करो कि नकुल और मान्या बूट कैंप में क्यों नहीं है। मैं इस बार लड़कों के साथ बहुत सख्त हो रहा हूँ। अगर नहीं आ रहे तो समझो ऐसा कुछ कारण है जिसमें मैं भी उनकी बात समझ रहा हूँ। कुछ देर के लिए आप भी समझो कुछ टाइम के लिए। 8-bit champ, congratulations to 8-bit team. बढ़िया खेल रहे हैं उसी भाई भी सब नित्य भाई। नेक्स्ट थग इन्विटेशन के लिए तैयार होना। यस यस ब्रदर, फुल तैयारी शारी चल रही है ऑन टॉप। अभी दो दिन लगातार कंटेंट आएंगे। एक आज डाला है सोलो 11 किल वाला, कल आएगा 28 किल्स वाला, फिर उसके अगले दिन आएगा एक और चिकन मारा है, फिर उसके अगले दिन आएगा जोकर के साथ 1v1 शॉटगन वाला। आज वनडे से कैसे हो गए पाजी शॉट भाई से? कैसे क्या हो गया यार, उन्होंने अच्छा मारा और हमने जोक कर दिया। ऐसे ही होते और कैसे होंगे। सेफ आने दे, आने दे, आने दे। अबे ठुक गई फिर यार, करने दे यार बेचारे को। गाइस कैसे हो गाइस, कैसे भाई? ये क्या कर रहे हैं भाई सोमे तो यार। भाई बाहर के टीम वाले आते तो क्या बोलो, बाहर के टीम वाले जब आते हैं तो परमिशन लेके आना पड़ता है, पता ना ऐसा हालत क्या आया हुआ है। मैं मेरे को किसी ने मेरा किसी ने परमिशन आके बज रहा है ऊपर से अलग बोलते क्या वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए तुम लोग, बोल रहे किसी ने मतलब ऐसे थोड़ी होता है ये। कितना बस ये लास्ट मैच ही है। व्हाट्सअप जूसी, क्या हाल चाल है आपके? हेलो, बताओ यार। एकदम बढ़िया यार, क्या परफॉर्मेंस दिखाई आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और एक चीज बताइए, सैनहॉक का गेम क्या चल रहा था वहां पे? क्या मेंटल रीसेट आपने लिया था या फिर सैनहॉक में आप ऐसे ही बीस की तरह नजर आते हो? बताइए क्या चल रहा था बूट कैंप में। सैनहॉक में ऐसा था कि टीटी के पास आई गेस 25 पॉइंट्स का लीड था। ओके, सो वो हमारे लिए मैच डू ऑर डाई था, हमको अगर जीतना था तो हमको उसी मैच में कुछ करना था क्योंकि उसके बाद सिर्फ दो मैचेस फॉर श्योर। सो हम बस उसके अंदर ऑल आउट चले गए एंड मतलब सारी सिचुएशंस हमारे फेवर में आती थी और हमने चिकन ले लिया। एक बात बताइए, जैसे ही हैदराबाद हाइड्राज ऊपर से आ गई थी, क्या आपने राहत की सांस ली थी? हाँ, मतलब जब ऊपर वाली जो हिल पे टीम थी, जब वो एंगेज हुई थी किसी और से, तब हमको बहुत अच्छा मौका मिला था कि हम लोग जोन में जा सकते थे। राइट। रेकनिंग थे वो अनलकी टीम जो वेट कर रही थी कि आपको सबसे पहले निशाने के अंदर, रेडार के अंदर ले, बट इवेंचुअली उनको जिस तरीके से मात दिया था हैदराबाद हाइड्राज ने। एंड दैट नेड, क्या चल रहा था यार? आई स्टिल कांट डाइजेस्ट द एंटायर सिनेरियो। उसके बाद तो 15 फिनिशेस जोड़ लिए आपने अपने खाते में। हाँ, मतलब मैंने फिर असॉल्टर्स को बोल दिया था कि पूरा ओपन जाओ मारो, क्योंकि वो मैच हमारे लिए डू ऑर डाई था, अगर हमको जीतना था तो वो फाइट निकालनी थी हमको। That's nice. That's amazing, Juicy. Well, आपके खतरनाक परफॉर्मेंस से तो हम रग-रग वाकिफ हैं. And I was just hoping कि 8-bit जिस तरीके से कमबैक कर रही है वो शानदार ही रहे. तो congratulations. आपकी पूरी की पूरी टीम को congratulations. और एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न रहने वाला है. एक सेकंड, मेरी तरफ से तो आखिरी, आप बताइए भाई, कुछ है आपके? पूछे, कोई दिक्कत नहीं. ये नया प्लेयर कौन है? क्या अनाउंसमेंट आने वाला है इसका बहुत जल्द? सो मैं यहीं पे रिवील कर देता हूं, हमने डिसाइड करा था एक्चुअली कि जब हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे तो हम उसको रिवील कर देंगे कि वो कौन है। लेट्स गो। ही इज, मतलब सबको पता ही है वो कौन है वैसे, ही इज एमबॉट एंड नाउ हिज नेम विल बी 8-bit एमबॉट। लेट्स गो। ये हुई ना बात, यहीं पर मिलेगा आपको सारा का सारा तड़कता धड़कता न्यूज। एंड जूसी, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। आपने अपने आप को यहाँ पे पधारने की एक बहुत अच्छी वो दी हमें और एक अपॉर्चुनिटी भी दी है टू गो एंड आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस एंड वी आर सो हैप्पी फॉर यू गाइस। सो कंग्रेचुलेशंस, एक पॉइंट के साथ जिस तरीके से आपने धाक जमाई एंड यू गॉट दैट चैंपियनशिप, वेरी वेल डिजर्व मैन।